फजीलत, मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने कपड़े धो लूं। वॉशिंग मशीन कहाँ है? वॉशिंग मशीन तो नहीं है भाभी, हाथ से कपड़े धोते हैं हम। सारे कपड़े हाथ से? जी भाभी, आपकी तो वॉशिंग मशीन है ना, आप वो लगा लें, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। मैं निकाल दूँ आपकी वॉशिंग मशीन? हाँ, लेकिन बाजी मंसूर भाई का फोन है, खाला को कह आके सुन ले। अच्छा, मंसूर का फोन कहाँ आता है? साथ वाले हैं ना प्रोफेसर साहब, उनके घर आता है मंसूर भाई का फोन। अम्मी अम्मी, मंसूर भाई का फोन आया, जाके सुन ले। अच्छा, मंसूर का फोन आया, मैं उसके फोन का इंतजार ही कर रही थी। मेरा भी सलाम कहिएगा और हाल चाल पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से। हाँ हाँ, पूछ लूंगी। मंसूर का फोन आया था। अच्छा, मंसूर का फोन आया था, आपको सलाम कह रहा था और हाल भी पूछ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है उसकी? नजला जुकाम हो रहा है उसे। नजला जुकाम क्यों हो गया उसे? कह रहा था कि खारिया का मौसम ठीक नहीं था। अब तो बड़ी जल्दी जल्दी फोन कर रहा है मंसूर। बहू की भी बात करा देती। नई नवेली दुल्हन है, अब इसे ले लेकर मोहल्ले में फिरूं, हजार तरह की नजरें होती हैं लोगों की। वो अम्मी, मैं सोच रही थी कि अम्मी अप्पा को भी फोन कर लूं, बहुत दिनों से उन लोगों से बात नहीं हुई। हम बराबर वालों के घर से फोन सुनते हैं, फोन करते नहीं, ट्रंक कॉल हो जाती है, खाम खा में किसी को तकलीफ दें। तुम अपने अम्मी अब्बा को खत लिख लिया करो। भाभी, बाहर चलेंगे मेरे साथ? बाहर का पीसीओ लेकर जाता हूँ आपको, अपने अम्मी अब्बू से बात कर लें। लेकिन अम्मी इजाजत दे देंगे? अम्मी को तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो खाला की तरफ गई हुई है। यहाँ करीबी तो है पीसीओ, हम जल्दी से होकर आ जाएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन अब्बा भी तो घर पर है। अब्बा किसी को नहीं बताएंगे, फजीलत बाजी अम्मी के साथ गई हुई है और हफ्सा सो रही है। आप जल्दी से चादर लेकर आ जाए। फिर वहां से मंसूर भाई से भी बात कराऊंगा आपकी। मंसूर से बात? हाँ ना, मेरे पास उनका फोन नंबर है। मैं बस एक मिनट में आ रही हूँ। भाई, भाभी से बात करें। मतलब दुलोशिवार? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम पीसीओ से फोन कर रही हो? सबूत के साथ आई थी। अम्मी को पता? क्या जरूरत थी तुम्हें पीसीओ पे आने की? जानती हो कितने मर्द होंगे वहां पर? मैं सिर्फ आपकी तबीयत पूछने आई थी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, साउथ को फोन दो जरा। सर चलो।